रोज सुबह उठते ही हम सभी घड़ी में समय जरूर देखते हैं। आपने कभी सोचा है कि समय का निर्धारण कहां से होता है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वक्त अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। पूरी दुनिया को वक्त दिखाने वाली टिक टिक करती घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है। किसी देश की घड़ी में बजे हैं दिन के 12, तो किसी देश में घड़ी की सुई इशारा कर रही है सूरज ढलने का। हम पल पल में घड़ी की सुई को निहारते हैं, उसमें अलार्म लगाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया को वक्त बताने वाले वक्त का निर्धारण आखिर कैसे होता है? आखिर वो कौन सी मशीन है या कौन सी ऐसी युक्ति जिससे वक्त अपनी पूरी रफ्तार से बगैर रुके बगैर थमे चलता ही रहता है, चलता ही जाता है। हम बात करेंगे भारत की। दरअसल भारत के मानक समय का निर्धारण मिर्जापुर के विंध्याचल से होता है। साल 2007 में भूगोलविदों के एक दल ने पहुंचकर विंध्याचल के अमरावती चौराहे के पास स्थित स्थल को मानक समय के स्थल को चिन्हित किया था। सटीक भौगोलिक स्थिति के खोजकर्ता SPACE है। जिला प्रशासन की ओर से सुंदरीकरण करते हुए इस स्थल के महत्व को बताने वाला बोर्ड लगवा दिया गया है। विंध्य क्षेत्र में जब सारी शक्तियों का अवतरण हुआ तो वो जो काल निर्धारित हुआ, जो समय निर्धारित हुआ, वही समय उसी समय को एक पूरे प्रकृति ने एक आदर्श के रूप में माना और जिसकी वजह से यहाँ पे IST भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण शास्त्रों के इस बिंदु से किया जाता है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से निकलने वाली करीब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के करीब मध्य से गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर जाती है, जिनमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। बोर्ड पर सूर्य और पृथ्वी की दूरी, व्यास आदि सहित भारतीय आध्यात्मिक जगत में इस स्थान के महत्व को दर्शाया गया है। इस विंध्य धरा को माँ बिंदुवासिनी का दरबार भी कहते हैं। महारानी माँ बिंदुवासिनी अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ यहाँ विद्यमान है। बिंदु के बिना एक छोटी रेखा भी नहीं खींची जा सकती है और माँ बिंदुवासिनी की कृपा के बिना सृष्टि की रचना नहीं हो सकती थी। रावण भी अपनी ज्योतिष गणना के लिए समय यहीं से लिया करता था। यही नहीं, रावण ने यहाँ माँ के मंदिर के समीप शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे बिंदेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। समय का हम सभी के जीवन में बहुत महत्व है और कोई भी काम करते वक्त हम जरूर देखते हैं कि ये तय समय में पूरा हो जाए, परंतु भारतीय समय जिसे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, उसका निर्धारण कहाँ से होता है शायद बहुत ही कम लोगों को मालूम हो पाएगा। होगा हम खड़े हैं इस समय मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित उसी स्थान पर जहाँ पर से कि भारतीय समय का निर्धारण होता है। आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में ही संस्था स्पेस अंडर खोज द्वारा एक साइन बोर्ड भी लगा दिया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आप भारतीय प्रधान मध्यान रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर पर खड़े हैं, जो कि भारत के मानक को प्रभावित करती है। भारतीय मानक समय समग्र भारत में उपयोग में लाए जाने वाला समय है। इसे संस्था द्वारा सन 2007 में यहाँ पर लगा दिया गया और वैज्ञानिक रूप से इस बात की पुष्टि कर दी गई कि भारतीय समय का निर्धारण मिर्जापुर के विंध्याचल में से होता है। वीडियो न्यूज लक्की के साथ राजन गुप्ता, लाइव टुडे न्यूज, मिर्जापुर।